प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानून रद्द करने का किया ऐलान। इसे महीने के अंत में पार्लीमेंट के सैशन च संविधानिक तौर पर रद्द होंगे कानून। पीएम ने देशवासियों तो मंगी मुआफी, बोले असी किसानों को समझा नहीं सके कानूनों के फायदे। खेती कानून रद्द होने बाद भारत तो लैके विदेशों तक जश्न का माहौल। सिंघू बॉर्डर से मिठाइया वंड किसानों ने मनाई खुशी। पंजाब भर च ढोल वजा के मनाए जा रहे हैं जश्न। प्रधानमंत्री मोदी वालों खेती कानून वापस लैन के ऐलान बाद सियासी विरोधियों ने भी फैसले का किया स्वागत, पर चुके सवाल, बोले क्यों हुई देरी। सैकड़े किसानों की हो चुकी है मौत। सीएम चन्नी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की की मंग। शहीद किसानों की याद में बनेगा मेमोरियल। शहीदों के पीड़ित परिवारों को मिलेगी नौकरी। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा सने कई मंत्री ते विधायक होए करतारपुर साहब विच नतमस्तक। आम आदमी पार्टी दा जत्था भी गया गुरुघर। जागीर कौर दी अगवाई च एसजीपीसी दे जत्थे ने भी कीते दर्शन। श्री गुरु नानक देव जी दे 552वें प्रकाश दिहाड़े दी रौनक। सुल्तानपुर लोधी सने गुरुघरां च नतमस्तक होई वड्डी गिनती च संगत। जाहो जलाल नाल मनाया गया प्रकाश दिहाड़ा। हुण तुसीं एबीपी सांझा नूं टाटा स्काई दे चैनल नंबर 1929 ते वेख सकदे हो। गुरपुरब दा मौका सी, नवीं सांझ पाया हाले कुछ ही पल निकले सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वड्डा ऐलान किया, खेती कानून वापस लै ले गए। एबीपी सांझा लई इस तों वड्डा कोई तोहफा नहीं हो सकता। हुण एक साल बाद अंदोलन खत्म होवेगा। पंजाब हरियाणा यूपी सने दिल्ली बॉर्डर तों किसानां दा जश्न वेखदे हां। ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ਇਹ ਰਾਜ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਪੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਛਤਾਪ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤੀ ਮਾਨੀ ਹੈ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो कि पूरे देश के किसानों का बड़ा मसला है, उसके लिए ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री दे मूहों ये शब्द सुनन लई तां किसान एक वरे तो इंतजार कर रहे सन। इस तरह नाल टोल वजा जश्न मनाउण दे लई किसान 11 महीने तो उड़ीक कर रहे सन। इस तरह नाल मिठाइयां वंडण लई किसानां ने कई महीने संघर्ष कीता है, पर जिवें ही प्रधानमंत्री ने लफ्ज़ बोले, दिल्ली दे बॉर्डरां तो लैके पंजाब दे पिंडां च टोल दी गूंज सुनाई दित्ती, क्योंकि आखिर किसानां दी जित होई ते खेती कानून जित होए ने। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये तस्वीरां ने सिंघू बॉर्डर दिया बर्फी नाल संघर्षशील किसानों का मुंह मिठा करवाया जा रहा है। कई महीनों तो करो बेकार हुए बुजुर्ग किसानों ने सुख का साथ लिया, पर अजे भी ऐलान उही कि जदों तक राष्ट्रपति की सही नाल कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक मुड़ना नहीं है। पार्लीमेंट के रद्द करके पास नहीं करते तो राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती, उन्ना चर असी इतने डटे रहेंगे। एमएससी की गरंटी कि वो जिन्ना चर राष्ट्रपति का मोहर नहीं लगती उन्ना चर डटे रहेंगे, पर मोदी का जिन्ना भी उन्हें ऐलान किया धन्यवाद करते। खुश है? हाँ खुश। पंजाब की गल ही वक्री है। जिवें ही खबर नशर हुई किसानों की दिवाली हो गई, पटाके पे, खूब मिठाइया वंडिया गई।
जो मोदी सरकार ने कानून रद्द कराया जी, असीं इहदा स्वागत करदे हां, क्योंकि लगभग 11 महीनों तो साडे किसान वीर उत्थे दिल्ली दीआं सड़कां ते बैठे सीगे ते ओह 500 तो ज़्यादा किसान भरा साडे शहीदियां पा गए, असीं उहनां नूं भी नमन करदे हां। पर इह जो फैसला लिया गया मोदी सरकार वल्लों बहुत वधिया फैसला लिया गया, पर देर आए दुरुस्त आए, असीं इही धन्नवाद ही करदे हां अज्ज मोदी दा। कोई उहदे खिलाफ़ कोई नारे नहीं लाते, असीं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दा नारा लावांगे। दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते किसान जथेबंदियां ते साडे पंजाब ते पूरे हिंदुस्तान दे किसान बैठे सी, मजदूर बैठे सी, अज्ज उहनां दी मेहनत नूं फल पिआ, बूर पिआ, अज्ज उहनां लोकां दी संघर्शील लोकां दी जित हुई है। और मैं नमन करदा जिहड़े किसान शहीद होए ने उत्थे, साडियां बीबियां मातावां शहीद होईआं ने, और साडियां मातावां भैणां जिहड़ियां संघर्श योगदान पाए उहनां दा, साडियां बच्चियां दा, साडियां भैणां दा, साडे नौजवान साथियां दा, जिन्हां ने बड़े वड्डे लंबे संघर्ष दे विच बड़ा जी तोड़ ला के ये संघर्ष किया है। और अज्ज इक बूर पिआ साडियां उहनां जथेबंदियां दे और साडे उहनां लोकां दे जिहड़े गरीब मजदूर किसान ते साडे छोटे दुकानदार जिन्हां दा रुजगार खोया जा रहा सी, अज्ज उहनां नूं इक हां दा हुंगारा मिलिया, अज्ज उहनां दी आस दी किरण जागी है। देर आए दुरुस्त आए, पंजाब च हर किसे दी जुबान ते प्रधानमंत्री लई एही लफ्ज़ सन, अते इसे ऐलान नाल आस मजबूत हो गई है कि एक वरे तो दिल्ली गए पंजाबी हुण परतौणगे, जिवें हुशियारपुर चे किसान नच गा रहे ने। किसान बीबियां इन्हां ने भी किसानी संघर्ष दी पिड़ च खास भूमिका निभाई है ते हुण जश्न मनाउण च भी कोई कमी नहीं छड रहीआं, ढोल वज रहे ने ते भंगड़े पै रहे ने, सारा माहौल रंगा नाल सराबोर है। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀਨ ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਲਾ ਅਤੇ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਇਹ ਬਤਾਨੇ ਆਇਆ ਹੂੰ कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के नाल ही एक साल का संघर्ष कामयाब रहा। पंजाब तो दिल्ली तक का पेंडा सार हो गया, देश की शान जित गया किसान, कुछ अजिही नारे देश भर के कोने कोने गूंजन लगे ने। पंजाब हरियाणा समेत देश दुनिया जश्न का माहौल है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तपस्या च कमी दसद्या देशवासियों को माफ़ी मंगण के नाल खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर दिता है, पर संयुक्त किसान मोर्चा अजे भी अपने संघर्ष जारी रखने लई बचेत है।
संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने ऐलान किया है कि जदों तक संसद कानून वापस नहीं ले जाते उदों तक मोर्चा जारी रहेगा। ये भी एक तसली ते खुशी वाली गल है कि जेड़े तीन काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए सी अज प्रधानमंत्री ने खुद मन्या है भी वह साढ़े को गलत काम होया और वह कानून वापस ले जाएंगे। सारे खुशी की लहर है, खुशी होनी भी चाहिए है। तुम जिस तरह कालना काली जिस तरह सारी दुनिया च बैठे लोगों ने इस मोर्चे ने सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश में बैठे सारे लोगों ने इनू हुंगारा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नू अपनी गलती मननी पई है। तो फिर भी उहदे लई जो भी गलती देर आए दुरुस्त आए प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उहदे लई उहनां दा धन्नवाद भी करना बनता है। मैं धन्नवाद करदा पर हाले साड़ी तसली नहीं। हालां तक MSP दे उत्ते प्रधानमंत्री ने मूँह नहीं खोलिया उहदा कानून किवें बनाउणा है, और जिनी देर तक पार्लीमेंट विच इह पास नहीं हो जांदा, उन्होंने कहा असीं पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देण पास असीं धन्नवादी होवांगे और असीं फिर पास होण तों बाद ही उठांगे। भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह मुताबक खेती कानून तां रद्द हो गए ने पर अजे MSP समेत बिजली बिल की मंग बाकी है। देर है दुरुस्त है, लेट है फैसला, पहला कर लेना चाहिए चंगी गल होंगी, जो फैसला किया चंगा किया ठीक किया, अगे भी इन्हों यही फैसले करने चाहिए ने। जिथे किसानी संकट च है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों सिर गल गल करजा है, वो सारिया समस्यावान का भी हल कढ़ना चाहिए प्रधानमंत्री को। जो लोगों के हेतु ने यह जे फैसले करने चाहिए, लोग सलाघा कर लोगों के एंटी फैसले कर हटन, कारपोरेट का पक्ष पूर्ण हो। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर डॉक्टर दर्शनपाल ने इसनों इतिहासक अते किसान मजदूर एकता की जित दसिया है। दर्शनपाल के मुताबिक किसानी अंदोलन बारे फैसला संयुक्त किसान मोर्चे की अगली मीटिंग तो बाद होगा। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में अदर जो दूसरे मुद्दे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कि पूरे देश के किसानों का बड़ा मसला है, उसके लिए ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुला के हम फैसला करेंगे कि आगे आंदोलन को किस तरफ ले जाना है। किसान लीडर बूटा सिंह बुरजगिल ने तो प्रधानमंत्री के ऐलान को अजे सिर्फ भाषण दसिया है। बुरजगिल मुताबक जदों कानून रद्द होणगे किसान उदों ही पंजाब परतणगे। जो मोदी की स्पीच आई है उन्हें कहा कि तिने कानून असी वापस लै लांगे, जदों लैणगे उदों देखांगे। जब तक संयुक्त मोर्चे दे नाल मीटिंग नहीं हो जाती, मीटिंग हो के मीटिंग दे विच ऐलान नहीं हुंदा, उदों तक यही जिहड़ी स्पीच है इनू लोगों नू नहीं मनना चाहिदा। ये जिहड़ा आपां वड्डा इकट्ठ कर रहे हैं 26 तरीक नू बरेगंढ मना रहे हैं इस अंदोलन की, वो 26 का इकट्ठ ना होवे तां इस करके जे ये मतलब जिहड़ियां स्पीचां कर रहे हैं। मैं सारे किसानां नू भारत के किसानां नू ये कहना चाहूँगा कि 25 तरीक नू ट्रैक्टर ट्रालियां लैके पूरे जोर शोर के नाल दिल्ली के बॉर्डरां ते पहुँचो। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सरवण सिंह पंधेर मुताबक किसान पार्लीमेंट कानून रद्द होने तक दिल्ली बॉर्डर से डटे रहेंगे। अभी जो हमारा आंदोलन है वो चलेगा, जो हमारी तैयारियां चलेगी 26 के बड़े जो इकट्ठ है वहां होंगे, इसलिए होंगे। और जिस तरफ प्रधानमंत्री जी बढ़ना चाहते हैं, सत्र में वापस लेना चाहते हैं, हम उसका वेट करेंगे। तो सभी बातों पर जो निर्णय है वो सभी यूनियन से हम अपनी यूनियन में विचार विमर्श करके ही करेंगे। किसानी अंदोलन च नवी रूह फूकण वाले राकेश टकैत मुताबक खेती कानून रद्द होने नाल जंग खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजिंग उसका है वो हो। MSP पे गारंटी कानून, ये दो मसले अभी हैं, और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पर भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, एक साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, हर मसलों पर बातचीत होती रहेगी।
उधर संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर जोगिंदर यादव ने इस मेहनती किरती लोगों की जित दसिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों खेती कानून रद्द करने का ऐलान हो चुका है, पर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अजे भी अपने कानूनों किसान हितैषी होने का राग लाप रहे हैं। श्री गुरु नानक देव ने कहा था, कीरत करो यानी ईमानदारी की मेहनत से कमा के खाओ। आज उनके प्रकाशोत्सव के दिन कीरत करने वाले किसान की जीत हुई है। ये जीत किसी एक नेता और मोर्चे से ज्यादा उन लाखों करोड़ों किसानों की जीत है जिन्होंने पिछले एक साल में अपने दुख सुख गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए बिना मोर्चों पर डट के पहरेदारी की। 700 से अधिक उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान इस आंदोलन के लिए लगाई। यह ऐतिहासिक जीत है क्योंकि किसान ने बता दिया है कि उसे इतिहास के कूड़े में नहीं डाला जा सकता। किसान इस देश के इतिहास और अतीत का नहीं, इस देश के भविष्य का भी हिस्सा है। आज अहंकार का सर नीचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मोदी सरकार पार्लीमेंट अपने 3 खेती कानून वापस लेने जा रही है। प्रधानमंत्री के ऐलान के नाल हुण आस होर मजबूत हो गई है कि एक बार तो दिल्ली बॉर्डर के डटे किसान हुण आपो अपने घरों नूं भरत आउणगे। इत्थे एक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद हुण तक दे किसानी संघर्ष उत्ते नज़र पावांगे। पीएम मोदी वालों खेती कानून वापस लैन के ऐलान के बावजूद भी किसान दिल्ली बॉर्डर से डटे हुए ने। किसानों का कई महीनों तो चल रहा संघर्ष जारी है। इस रिपोर्ट जानते हैं किसानों ने अपने अंदोलन किवें पखाई रखिया। केंद्र ने चाहे 3 खेती कानून वापस ले ले ने, पर किसान दिल्ली बॉर्डर उत्ते डटे हुए ने। शुरुआत विच केंद्र दी उम्मीद दे उल्ट किसानी संघर्ष भखिया ना कि मठा पिया। जेल भरो अंदोलन, जेलां ते डीसी दफ्तरां बाहर धरने बाद किसानां दे अंदोलन ने केंद्र नूं सिद्धी चुनौती दित्ती। टोल प्लाजां सने कारपोरेट किरायां दे मॉल ते पंप घेरे गए, ट्रेनां रोकियां गईयां। किसानां ने दिल्ली वल कूच अते दिल्ली बॉर्डर उपर मोर्चा ला दित्ता। June 5, 2020 नूं खेती संबंधी 3 ऑर्डीनेंस लियांदे। 14 September 2020 नूं लोकसभा च खेती बिल पेश कीता। 17 September नूं लोकसभा च खेती बिल पास होया। 20 September नूं खेती बिल राज्यसभा च पास होया। 27 September 2020 नूं राष्ट्रपति रामनाथ ने मंजूरी दित्ती। 3 खेती बिल 27 September 2020 तो कानून बन गए। खेती कानून बाद हुण तक किसान अंदोलन कई पड़ावों विचों लंघे है। किसानों ने कई तरीकों नाल अपना रोस जताया। अखीर गल ना बनती वेख संघर्ष तिखा करन दा फैसला लिया गया। 24 September रेल गड्डियां रोकण दा ऐलान होया। 14 October दिल्ली च केंद्र नाल किसानां दी मीटिंग बेसिट्टा रही। 21 October किसानां वल्लों सिर्फ माल गड्डियां नूं राह देण दा ऐलान होया।
27 अक्टूबर 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली चलो अभियान दा ऐलान होया। 21 नवंबर कैप्टन नाल मीटिंग बाद किसानां ने रेलां नूं राह दित्ता। 26 नवंबर किसानां ने काफलें दे रूप च दिल्ली नूं कूच करना शुरू किया। 12 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल से अस्थाई रोक लाई। 20 जनवरी कमेटी बना के कानून निश्चित वेले लई रोकण दा मता दिता। 21 जनवरी किसानां ने सरकार दा मता ठुकराया। 22 जनवरी गैरवें दौर की मीटिंग भी बेसिट्टा रही। इस दौरान किसानी संघर्ष नूं हर पासे तों भरवां समर्थन मिलिया। सियासी पार्टियां नूं किसानां ने खुद तों दूर रखिया, खासकर बीजेपी का लगातार विरोध होया। किसानां ने सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला च धरने लाए। लंबी च सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे घर बाहर धरना लाया। इसे किसानी संघर्ष का सिख सी कि बीजेपी नूं छड़ के पंजाब दीआं बाकी पार्टियां ने केंद्र दे खेती कानून खिलाफ स्टैंड लिया। अखीर हुण पीएम मोदी ने भी तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। जदों हुण पीएम ने खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। एक ब्रेक बाद पीएम दे ऐलान ते विरोधी धिरां नूं सुणांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों खेती कानून वापस लैण दा ऐलान किया गया है। सियासी विरोधियों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, पर सवाल उठाए ने आखिर इन्नी देरी क्यों, क्योंकि हुण तक सैकड़े किसान शहीद हो चुके ने। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिता है। पंजाब यूपी सने देश के कई राज्यों में जदों चोणां सिर उत्ते ने, अजिहे च पीएम मोदी के इस ऐलान ने सियासी विरोधियों को पड़ने पा दिता है। खासकर पंजाब में पूरी तरह तस्वीर बदलने की संभावना है। सवाल ने कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक नाल बीजेपी मजबूत होगी? श्रोमणी अकाली दल बीजेपी नाल गठजोड़ बहाल करेगा? कांग्रेस नूं शहरी इलाकों च किन्ना नुकसान होगा? बाकी सियासी पार्टियां नूं अंदोलन खत्म होने नाल किन्ना नुकसान होगा? पीएम दा ऐलान कांग्रेस अकाली दल अते आप दी मुश्किल वधाएगा? की बीजेपी अते कैप्टन दी पार्टी गठजोड़ नाल चोण लड़ेगी? कि पेंडू इलाकों च बीजेपी का समर्थन वधेगा? इन्हां तमाम सवालों विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के कदम देरी नाल चक्या दस्सिया है। उन्हां MSP की कानूनी गरंटी भी मंगी है, फिर दोहराया कि शहीद किसानों के परिवारक मैंबरों को सरकार नौकरी देवेगी, शहीद किसानों की याद में मैमोरियल भी बनेगा। वो कहंदे भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं, खेत मजदूरां नूं इन्हां बिलां दे मुआवजे विच तारनियां पईआं। इह जदों ऑर्डीनेंस ही बने सी, समझ आ जाणी चाहीदी सी कि देश दे लोक इन्हां नूं स्वीकार नहीं कर रहे, इह नुकसानदेह है। लेकिन एक जिद करके इन्हां नूं अगे लटकाया गया। चोणां आ गईआं,
यूपी दे विच हार निश्चित होगी, किसानां दीआं शहीदियां हो गईआं ते किसान टस मस्ते नहीं होए, मजदूर मारे गए, लोकां दे विच तरा तरा हो गई, टोल प्लाजे बंद हो गए, पंजाब सरकार बिल्कुल नाल किसानां दे खड़ गई। जदों कोई चारा ना चलिया तां हुण इन्हां नूं वापस लेने पै रहे है। अज भी ऐलान होया पार्लीमेंट दे जद तक वापस नहीं होंदे उदों तक असीं देखांगे। MSP है जिहड़ी उहदी भी सानूं गरंटी चाहीदी आ हुण। ते जिहड़े किसान मैं पहला ऐलान कर चुक्या इहदे विच संघर्ष दे विच शहीद होए है, इह कोई मैं अज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन तों कह रहा, ते असीं दे भी रहे नौकरियां, असीं सारिआं नूं उहनां नूं इक इक परिवार नूं नौकरी दे रहे दवांगे, ते नाल नाल इक मैमोरियल इस संघर्ष दे नाम ते किसान यूनियन जिस तरह उहदा नाम दसणगे, ऐसी एक पंजाब दे विच ढुकवीं जगह ते वड्डा मैमोरियल इस संघर्ष दे, क्योंकि लोकां दा संघर्ष है। आजादी तो बाद जे कोई वड्डा संघर्ष चलिया तां इह है जिहने पंजाब ही नहीं पूरे देश विच डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं तगड़ा कीता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानां ने हक सच ते पहरा दित्ता है, बदनाम करन दी लख कोशिश की गई पर बाबे नानक दी कृपा ते सवली नजर रही। जे धन्नवाद ना करिए कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए, और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती दा इस्तकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे, क्योंकि एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित दा श्रेय कोई लैण दी कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित दा सारे दा सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं है। सच दी राह सी, लख कोशिश कीती बदनामी करन दी, अड़े रहे खड़े रहे, हक सच ते पहरा दिता, जित होई। क्योंकि जदों धर्म दी राह ते कोई तुरदा ना, धर्म युद्ध मिटदा है, यथा धर्मा तथा विजया, फिर उन्हों कोई हरा नहीं सकता। और यही धर्म सी कि असी बाबे नानक का जिहड़ा किता है, ये बाबा जी लड़ ला के गए सी उत्तम खेती, ये 17 साल उन्होंने आप खेती की, सानू किरत सभ्याचार दे लड़ लाया, ये दुनिया का सब तो वड्डा सभ्याचार है, वो कल्चर, ये उन्हां दी ही अज सवलियां नजरां ने कि किन्नियां खुशियां अज पंजाब दे लोकां नूं मिलियां ने। खास तौर पर 650 शहादतां देण वाले, 650 शहादतां देण वाले संयुक्त किसान मोर्चे दे अणथक प्रयासां नूं बूर पिया। जुल्म करना पाप, जुल्म दे खिलाफ खड़ना उदू वड्डा करन, सहना भी पाप। उन्हां एक ऐसा समाजिक सोशल मूवमेंट सिरजी के जड़ी असी गल करदे आ, बाबा जी कहिंदे आ आपसी भाईचारा, अंबेडकर साहब कहिंदे आ फ्रैटरनिटी, अनेकां च एकता, अड अड भाषावां, अड अड कल्चर, अड अड सभ्याचार, लेकिन उन्हां दे विच एका ये संयुक्त किसान मोर्चे ने सिरजिया, और सारे एक मुश्त होके इस लड़ाई नूं लड़दे रहे। पंजाब सरकार होवे भावें होर सरकारां होण, हरेक ने उन्हां दा सहयोग किया, क्योंकि 60% आबादी है और इज्जत दी लोटी लई, इज्जत दी रोटी लई लड़दी सी, ये गल ज़हन च होनी चाहीदी है। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਔਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਥੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਮਝਤੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੋ ਇਸ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰ
होती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुरब पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठें और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि किसानों ने सरकार नु चुकाया है, ये बड़ी जीत है। आज के दिन ते मैं सारे ही गुरु नानक नाम देवा नु वधाई देना, क्योंकि अज गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है। दूसरा, मैं किसानों नु देख के किसानों नु ते खास करके पंजाब हरियाणा यूपी के किसानों नु लख लख वधाई देना के उन्हां दी कुर्बानी दी वजह नाल बड़े वड्डे संघर्ष तों बाद उन्हां नूं इह सरकार नूं चुकाउण दा मौका मिलिया, ते जिहड़े काले कानून हिंदुस्तान दी सरकार ने मोदी सरकार ने बनाए थे उन्हां नूं अज वापस लैणे पए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी किसानों को वधाई दी है। अज परमात्मा की बड़ी बख्शिश हुई, संघर्षी किसानी संघर्ष जो अपने पंजाब के देश के किसान कर रहे थे, परमात्मा की बख्शिश नाल अज उनकी जित प्राप्त हुई है। मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहना बहादुर किसानों को, कुछ 600-700 किसानों ने अपनी इस संघर्ष जान भी कुर्बान कर दी है, तो जड़ी संघर्ष की जित है, पंजाब दे किसानी की जित है, देश दे किसानां दी जित है। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने परमात्मा का शुकराना किया, उन्हां किसानां दे सिदक नूं सलाम किया है। केंद्र की सरकार नूं समत बख्श के गुरु साहब ने जिहड़े पिछले 1.5 साल की लड़ाई साढ़े किसान सड़कां च बैठ के तपती हुई गर्मी कड़ाके की ठंड पैंदा होया मीह ओला बारी 1.5 साल तो डटे हुए ने साढ़े किसान वीर दिल्ली की सड़कां ते काले कानूनों नू वापस कराने वास्ते। अज मैं उस मालिक का शुकराना करदी हाँ जिन्हां ने इस कौम नू ये बल बख्श के किसानों तो ये लड़ाई लड़ाई तो लड़वा के अज फतेह ते जित भी करवाई। मालिक का शुकराना कि जिहड़े काले कानून किसानों तो बिना पुछे धक्के दे नाल पार्लियामेंट च पास किए गए, तो आज जो भी कारण करके चलो सरकार ने इन्हां नूं वापस लैण दा जिहड़ा फैसला किया है, शुक्र है कि किसानों की गल मनी गई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगीर कौर ने इसनूं गुरु नानक की बख्शिश दसी है। उन्हें कहा कि किसानों का संघर्ष लंबा रहा है। जे अज गुरु नानक साहब ने टुट के, मैं तो यह समझा कि गुरु नानक साहब ही टुटे है कि उन्होंने अपनी किसानी की लाज रखन वास्ते ये बख्शिश कर दी कि अज उन्होंने मन विच वस के ये कानून जड़े सी वह वापस कराए। जे कानून वापस हुए है तो सारे अज सुख का साह लैणगे, बहुत सारिया मौता हो गई, बहुत सारिया जाना चल गई, वह वापस नहीं होनगियां। बड़ा तशद चलिया, बड़िया डांगा खदिया, पानी दिया पछाणा चलिया, वह वापस नहीं होनगियां। मन की पीड़ा परिवार ने चली है, वह मुड़के पूरी नहीं हो सकती। लंबा समा असी सड़कां ते रुले हैं। भगवंत मान ने मांग की कि शहीद किसानों नूं पार्लीमेंट श्रद्धांजलि देवे, दूजा बीजेपी लीडर किसानों नूं बदनाम करने लई मुआफी मंगन। असी सब तो पहले तो यह मांग करांगे कि सब तो पहला पार्लीमेंट खड़े होकर उन्होंने श्रद्धांजलि देवे, ते नंबर दो ते जिहड़े बीजेपी वाले ने उन्होंने लीडर ने जो अनाप शनाप उन्होंने वास्ते मवाली गुंडे बखवादी देश द्रोही नक्सली पता नहीं की उन्होंने वास्ते जिहड़े शब्द वरते है उन्होंने माफी मंगन।
सुखदेव सिंह ढींसा ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि चाहे ऐलान देर नाल होया पर सही होया। प्रधानमंत्री जी का इस गल धन्यवाद भी करना चाहना कि उन्होंने उस पवित्र दिहाड़े से किसानों दी जायज़ मंगा जी तिने कानून रद्द करन दीआं वो मनिया ने और उन्होंने मन के भावें देर जाए पर आगे करती हैं वो धन्यवादी है। तो मैं किसानों खास करके बहुत बहुत बधाई देना चाहना जिन्हें किसानों ने जाना दीतियाँ उन्होंने श्रद्धा के फुल भी भेंट करना उन्होंने ही जदोजहद ने उन्होंने कुर्बानिया ने जित प्राप्त की है। अरविंद केजरीवाल ने इस भारत के इतिहास में सुनहरा दिन दसिया है। उन्होंने इस जनतंत्र की जित कहा। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए कि जो 600 तो 700 किसान शहीद हो चुके ने हुण पीएम मुआफी मांग रहे ने, इस तो मंदभागी गल नहीं हो सकती। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान बाद ये पूरी सियासी तस्वीर है। पीएम के ऐलान के वख वख मायने कढ़े जा रहे हैं। इस विच कोई शक नहीं कि फैसला उस समय होया जो कई सूबों चुनाव सिर उत्ते ने। एक होर ब्रेक लई रोकदे हां ते ब्रेक तो बाद किसान अंदोलन दौरान कांग्रेस सने श्रोमणी अकाली दल अते आम आदमी पार्टी दा रुख जाणांगे। हुण गल करदे आं किसान अंदोलन दौरान कांग्रेस सने श्रोमणी अकाली दल अते आम आदमी पार्टी दे रुख दी, क्योंकि किसान पिछले एक साल तो दिल्ली बॉर्डर ते डटे हुए ने। अजिहे च किसानां दा अंदोलन लंबा रहा है। इस दौरान सियासी पार्टियां ने कई वड्डे फैसले लए। वख-वख सूबियां विच ऐन चोणां तो पहला केंद्र सरकार ने तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कीता है। किसानी संघर्ष दौरान ही पंजाब विधानसभा चोणां भी सिर उत्ते ने। अजिहे च बीजेपी सने लगभग सारिया सियासी पार्टियां नूं पंजाब विच विरोध का सामना करना पै रहा सी, पर इस दौरान जेकर किसी पार्टी का विरोध सब तो वध सुर्खियां बनिया उह सी अकाली दल। पर श्रोमणी अकाली दल वार वार दावा करता रहा कि वह किसान हितैषी है। पार्टी ने किसानों लई वड्डे फैसले लैण का दावा किया, जिन्हां दे विच 17 सितंबर 2020 हरसिमरत बादल ने मोदी कैबिनेट तो इस्तीफा दिता, 26 सितंबर 2020 श्रोमणी अकाली दल ने एनडीए नालों नाता तोड़िया, 1 अक्तूबर 2020 अकाली दल ने 3 तख्तों तो मार्च कढ़िया, 4 दसंबर 2020 सबका सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण वापस किया। अकाली दल इन्हां फैसलों के बलबूते विधानसभा चोणां के पिड़ विच उतरिया होया है, पर भारी विरोध ने मुसीबतां वधा दित्तियां। 17 सितंबर नूं एक साल पहले मोदी सरकार ने किसानी विरुद्ध 3 काले कानून लागू किए पार्लीमेंट विच। उसे दिन श्रोमणी अकाली दल के मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिता, उहदे बाद श्रोमणी अकाली दल के एनडीए तो नाता तोड़िया। श्रोमणी अकाली दल किसानों की सब तो वड्डी देश की जथेबंदी है। इतिहास गवाह है कि श्रोमणी अकाली दल ने सदा किसानों की लड़ाई लड़ी है। असी तो बड़े स्पष्ट है, पार्लीमेंट च जिस दिन एक्ट बनना सीगा साडा भाषण ऑन रिकॉर्ड है, वजीरी छड्डनी ऑन रिकॉर्ड है, 30 साल का रिश्ता तोड़ना ऑन रिकॉर्ड है।
कांग्रेस ने भी किसान अंदोलन दौरान खुद नूं किसान हितैषी साबित करने लई अड्डी चोटी का जोर लाया। 28 सितंबर 2020 कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खड़कड़ कलां धरना दिता। 3 दिनां पंजाब दौरे ते 4, 5 ते 6 अक्तूबर 2020 नूं राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च कढ़िया। 20 अक्तूबर 2020 पंजाब विधानसभा च केंद्र दे खेती कानून खिलाफ बिल पास होए। 11 नवंबर 2021 पंजाब विधानसभा च केंद्र दे खेती कानून रद्द करने लई मता पास होया। पिछले विधानसभा दे विच जो सानू किसान यूनियन ने हुक्म कीता सी के रेजुलेशन लियांदा जावे, ऐसी हू बहू ओही रेजुलेशन लेके आए हैं। उस तो भी उपर 2 लाइनां मैं ऐड कराइया के यह सदन सारे MLA सर्वसम्मति नाल सरकार नू हदायत करते हैं कि पंजाब दे विच काले कानून लागू ना किते जान। उदे नाल पंजाब सरकार हुण इह कानूनां नू लागू नहीं कर सकदी ते पंजाब दे विचों इह कानून है जिहड़े रद्द हैं। इस तो बिना 2013 दे विच जो अकाली सरकार ने इन्हां कानूनां काले कानूनां दे नाल मिलदा जुलदा ही कानून पास कीता सी, जिस दी बुनियाद इन्हां जिहड़े हुण काले कानून आए उन्हां दी बुनियाद ओह 13 दा कानून बनिया। ऐसी अकालियां दा बनाया होया कानून भी रद्द कर दिता जिहड़ा कि किसानां दे खिलाफ सी 2013 च उन्होंने बनाया। इस सब विच आम आदमी पार्टी भी पिछे नहीं रही। पार्टी ने दावा किया कि वह पहले दिन तो खेती कानूनों के खिलाफ डटे रहे। दम भरिया कि पार्टी लीडर ने हमेशा किसानों के हित विच आवाज चुकी। अज जदों गल करदे आ कि इस अंदोलन की तो मैं समझदा कि चलो बाकी सारिया पार्टियां का आपो अपना स्टैंड होएगा, पर आम आदमी पार्टी पहले दिन तो इस अंदोलन के समर्थन के विच ते इन्हां 3 काले कानूनों के विरोध के विच पहले दिन तो खड़ी है। चाहे सड़कां तो मुहल्लों तो लैके संसद तक की गल होवे, जे पंजाब दे साडी लेजिस्लेचर ग्रुप की गल हो करिए ते जदों ये जिहड़े बिल पंजाब विधानसभा दे विच लैके आउणे सीगे उस समय साडे सारे MLAs ने उत्थे रात बिताई ताकि वह बिल पहला मिल सकन ताकि उहदे मुताबिक इन्हां कानूनों का जिहड़ा विरोध है वह हो सके। जे MLAs ने जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी का घर घेरे तो कल्ले आम आदमी पार्टी के सीगे। जे संसद दे विच किसे पार्टी ने मोदी का घराओ किया ते नरेंद्र मोदी दे अखां दे अखां विच अखां पा के ते ओह आम आदमी पार्टी दे भगवंत मान और संजय सिंह जी उन्होंने किया। तो इस तरीके दे नाल इन्हां काले कानूनों के खिलाफ महात्मा गांधी जी की मूर्ति के थले सारी रात गुजारी ताकि इन्हां 3 कानूनों नूं रिपील किया जा सके, पर इस सरकार के कन्नां दे उपर जू नहीं सरकी हैगी। पर इस सब विच BJP ने वार वार रट लाई कि खेती कानून किसानों के हित विच ने। अखीर हुण PM मोदी ने खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता है। फिलहाल के लिए इना ही। देश दुनिया दी तमाम खबरां वेखने लई तुसी वेखदे रहो ABP साझा।